नमस्कार मैं हूं प्रियंका आप देख रहे हैं विरी टीवी भारत देश में कोरोना वायरस का कहर अभी भी जारी है कोरोना की दूसरी लहर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है कि तीसरी लहर ने दस्तक देना शुरू कर दिया है देश के कई राज्यों में एक तरफ जहां पाबंदियों को खोला जा रहा है तो कुछ जगहों पर नए मामलों की भर्ती संख्या चिंता बढ़ा रही है सबसे अहम बात यह है की अब स्कूल खुल जाने के कारण बच्चों पर खतरा मंडरा रहा है कर्नाटक के बेंगलुरु में ऐसा ही नतीजे देखने को मिले हैं कोरोना वायरस के मामले कम के बाद कई जगह स्कूल कॉलेज खोल दिए गए थे कर्नाटक के बेंगलुरु में भी ऐसा ही हुआ लेकिन हाल ही में जारी आंकड़ों से जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो डराने वाली है यहाँ करीब छह दिनों में तीन से अधिक बच्चे कोरोना की चपेट में आए हैं बेंगलुरु जैसे बड़े शहर का ये आंकड़ा राज्य में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ है बेंगलुरु प्रशासन द्वारा जो आंकड़े दिए गए हैं उनमें से शून्य से 9 साल के करीब एक और 10 से 19 साल के करीब एक बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं ये आंकड़ा 5 अगस्त से 10 अगस्त के बीच का है कर्नाटक से इतर अगर उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ भी स्कूल कॉलेज खुलने के बाद कोरोना के फैलते प्रकोप का असर साफ देखा जा सकता है हिमाचल प्रदेश में करीब बासठ कोविड की चपेट में आ गए हैं पंजाब में 27 स्कूली बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हरियाणा के स्कूलों में भी कोरोना के केस देखे गए गौरतलब है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भी बार बार कहा गया है कि अभी दूसरी लहर पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है ऐसे में राज्य सरकारों द्वारा सतर्कता बरतनी जरूरी है देश में केरल महाराष्ट्र कर्नाटक तमिलनाडु समेत अन्य जगहों से लगातार केसों के बढ़ने की खबरें आ रही है भारत में अभी भी करीब चार लाख कोरोना के एक्टिव केस हैं